तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास में प्रावेदिक कला की टॉपिक है रेखाएं तथा कोण। रेखाओं तथा कोण के बारे में इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूं, मैंने पहले से लिख रखा है और इसी पर आधारित निर्मेय आपको पढ़ाई जाएंगी, तो इसलिए ये कुछ बेसिक चीज़ें आप समझेंगे। सबसे पहला है बिंदु। बिंदु का मतलब है पॉइंट, जैसे ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट है, ये सब पॉइंट है। तो किसी भी एक पॉइंट को रखने को बिंदु कहते हैं। यह एक निर्धारित स्थान पर रखा जाता है, इसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है। आगे हम बताते हैं इसमें रिजु रेखा। रिजु रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं और इसको स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। तो रिजु रेखा मतलब एक स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने जो खींची गई, जो मिलाया गया बिंदु है, उसको सरल रेखा कहते हैं। वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा, समानांतर रेखा मतलब दो समान अंतर पर खींची गई रेखाएं, ये छोटी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इनमें जो अंतर है हर जगह वो बराबर होगा। एक असमांतर रेखा में क्या होता है कि इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो एक साइड में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां जाके ये दोनों रेखाएं मिलेंगी, और दूसरी साइड में अगर हम देखेंगे तो ये फासला और बढ़ता चला जाएगा, तो ये असमांतर रेखाएं कहलाएंगी। अब नेक्स्ट आता है क्षैतिज रेखा, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ होती है, आकाश और पृथ्वी का जहाँ मिलता है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो ये पड़ी रेखा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है। अब नेक्स्ट है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा से मतलब है हमारा तिरछी रेखा, माना कि दो रेखाएं खींची हुई हैं, उस पर अगर हम ये लाइन खींच दें तो ये क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखा ऐसे खींच दें तो ये तिर्यक रेखा। अब नेक्स्ट आता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा कैसी है, ये जो खड़ी हुई लाइन, ये खड़ी हुई रेखाएं, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। और इससे पहले क्या बताया था हमने, क्षैतिज रेखा, जो क्षैतिज रेखा पड़ी हुई रेखाएं। अब बिंदुमय रेखा, ये बिंदुमय रेखा जो है ये क्या है, ये डॉटेड लाइन है, जो इस तरह से डॉटेड लाइन हम डॉट रखते जाते हैं और इससे एक लाइन बन जाती है, ये क्या है, बिंदुमय रेखा। आपको निर्मेय में तीन रेखाओं से अपनी रचना को कंप्लीट करना होगा, जिसमें ये बिंदुमय रेखा, ये इधर नीचे आएंगे तो रचनात्मक रेखा और ये अभीष्ट रेखा। इन तीनों रेखाओं से हमें अपनी निर्मेयों को समझाना होगा। तो ये
बताते हैं रचनात्मक रेखा। रचनात्मक रेखा क्या है कि जब कोई सवाल हमें दिया होता है, माना कि एक त्रिभुज दिया गया है, इसके अंदर एक वृत्त बनाना है या इसके क्षेत्रफल के बराबर एक आयत बनाना है, तो इसको समझाने के लिए हम एक जो बनाने के लिए अगर हम इसमें आयत बनाएंगे तो हम इस पे डॉटेड रेखा का यूज़ करेंगे। डॉटेड रेखा का यूज़ करेंगे। तो निर्मेय में हम तीन लाइनों से निर्मेय को समझाते हैं, क्योंकि प्राविधिक कला में हम रचना नहीं लिखते हैं, इसलिए हम इन तीनों लाइनों का हम यूज़ करते हैं। पहली जो हमें दिया गया है, जो रचनात्मक रेखा है, जो त्रिभुज दिया गया है, इसको हम पतली लाइन खींचेंगे। अब जो हमें बनाना होगा उसके लिए जितनी भी हम लाइंस खींचेंगे उन लाइन को हम डॉटेड यूज़ करेंगे, डॉट डॉट करके यूज़ करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसको हम डॉट डॉट करके यूज़ करेंगे। और जो हमें ज्ञात करना होगा, जो ज्ञात हो जाएगा, उसको हम डार्क बनाएंगे। डार्क तो तीन लाइन हो जाती हैं, एक पतली लाइन, एक पतली डॉटेड लाइन और जो लास्ट होती है वो मोटी लाइन। ये अभीष्ट लाइन होती है, अभीष्ट रेखा जिसे कहते हैं, इसे बिंदुमय रेखा कहते हैं और इसको रचनात्मक रेखा कहते हैं। तो इन तीनों रेखाओं का हम रेखाओं द्वारा हम निर्मेय का निर्माण करते हैं, निर्मेय बनाते हैं, निर्मेय को सॉल्व करते हैं। अब इसी में ये तो रेखाओं का हो गया, अब बात करते हैं कोण की। कोण में ये सभी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, बहुत आसान है। न्यून कोण जो 90 अंश से कम का कोण होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण जो 90 डिग्री का होता है समकोण कहलाता है। अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ये ऋजुकोण 180 अंश के कोण को ऋजुकोण कहते हैं। और बृहत कोण क्या होता है, जो 180 से ज़्यादा हो, ये कितना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। तो 180 से जो बड़ा होता है उसे बृहत कोण कहते हैं। और एक और ये लास्ट में बचता है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण भी आपको समझना चाहिए। तो ये है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण सदैव समान होते हैं, ये सम्मुख कोण है। तो ये हुई बेसिक नॉलेज जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, तो रेखाएं तथा कोण। तो नेक्स्ट उसमें हम सवाल सॉल्व करते हैं।